सो दैट मैट्रिक्स बी डैश ए बी अब देखिए मल्टीप्लीकेशन चाहे कितनी भी बार हो रहा हो उसका रिजल्टेंट एक मैट्रिक्स ही हमें मिलेगी इज सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और सिक्यूसीमेट्रिक मतलब जो ये बी डैश ए बी है ये ए पर डिपेंड करता है अगर ए सीमेट्रिक होगा तो ये पूरी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी और अगर ए क्या हो गया सिक्यू सिमेट्रिक हो गया तो ये पूरी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी सिक्यू सिमेट्रिक यही वो कह रहा है कि सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए ए के अकॉर्डिंग अगर ए सिमेट्रिक तो वो भी सिमेट्रिक ए सिक्यू सिमेट्रिक तो वो भी सिक्यू सिमेट्रिक होगा यानी दो केसेस में आपका ये क्वेश्चन यहां पर प्रूव करेंगे हम इसको देखिए कैसे केस फर्स्ट मान लेते हैं ए इज सिमेट्रिक लेट ए इज सिमेट्रिक तो यहां पर ए सिमेट्रिक है ए सिमेट्रिक होने का मतलब है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होगा अब हमें उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक दिखाना है वो कब होगा जब हम उसका ट्रांसपोज करेंगे तो बी डैश ए बी यानी बी ट्रांसपोज ए बी का आप ट्रांसपोज करोगे तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है कि ए बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इन ए ट्रांसपोज यानी कि आप पीछे से ट्रांसपोज करते हुए लाएंगे तो यहां लिखोगे ए ट्रांसपोज अब इसका करोगे तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया और हमारे पास यह भी प्रॉपर्टी है कि ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो ए के ही इक्वल होता है यानी बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा बी बी डैश बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है ए के इक्वल है बी डैश ए बी यानी बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज जो है वो बी ट्रांसपोज ए बी बन गया यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और वो मैट्रिक्स खुद ही बन गई है यहां पर तो हम क्या कह देंगे कि b डैश ए बी इज सिमेट्रिक जो b डैश ए बी है वो क्या है हमारा सिमेट्रिक है नाउ केस टू हम मान लेते लेट A इज सिक्यू सिमेट्रिक तो यहां पे क्या आ गया ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा माइनस ए के इक्वल होगा क्योंकि ए जो है वो सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो अब हम करेंगे बी डैश ए बी का ट्रांसपोज तो सेम प्रॉपर्टी लगेगी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अब बी ट्रांसपोज तो सेम रहेगा ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है माइनस को आप यहां ला सकते हैं और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी बन जाएगा इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है तो आप कह देंगे बी ट्रांसपोज ए बी इज सिक्यू सिमेट्रिक तो ये क्या है सिक्यू सिमेट्रिक यानी वो सही कह रहा था कि ए अगर सिमेट्रिक होगा तो ये सिमेट्रिक आ रहा है अगर ए सिक्यू सिमेट्रिक होगा तो ये सिक्यू सिमेट्रिक आ रहा है यानी कि हमने इस कंडीशन को यहाँ पर प्रूव कर दिया था दो केसेस के अंदर लेकर के आप इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे